स्टूडेंट्स वॉइस के चैप्टर में आज आपका है 48th डे 48वां दिन। आज के क्लास में आप विशेष एक्टिव पैसिव पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए अगर वीडियो क्लिक कर दिए हो तो ठहर जाना, रुके रहना, क्योंकि यह जो है टॉपिक जो लिखा गया है कि पैसिव वॉइस और क्वेजी पैसिव वर्ब बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो सारा कंफ्यूजन आपका समाप्त हो जाएगा। अब ऐसे वाक्यों का कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं जहां पर क्वेजी पैसिव वर्ब्स का प्रयोग होता है। अब क्वेजी पैसिव वर्ब क्या होते हैं तो उनको जान लीजिए। कुछ इंटरेस्टिंग वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ एक्टिव से पैसिव बनता है, सभी के साथ नहीं, क्योंकि अगर आप गूगल पर सर्च करोगे, यूट्यूब पर सर्च करोगे पैसिव वॉइस आप इंटरेस्टिंग वर्ब तो कुछ मिलवे नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने भी हेडिंग यही दिया है, लेकिन रियलिटी ये है कि पैसिव वॉइस आप इंटरेस्टिंग वर्ब बनने जा रहा है, इसलिए मैं वो हेडिंग तो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सर्चिंग में नहीं आएगा, आप समझोगे नहीं, तो इसको रखने, अगर आप याद रख सकते हो तो रखो, नहीं याद रख सकते हो तो कुछ नहीं। बोलचाल की भाषा में क्या पैसिव वॉइस ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ब्स। अब सवाल ये उठता है कि क्या सभी इंटरेस्टिंग वर्ब के साथ पैसिव फॉर्म बनेगा, तो उसका आंसर है नो। अभी तक आप क्या पढ़ते आए हो, अरे भाई इंटरेस्टिंग वर्ब के साथ ही तो बनता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है, इंटरेस्टिंग वर्ब तो ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं है। तो चलिए इंटरेस्टिंग वर्ब के साथ बनने वाले एक्टिव फॉर्म का हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, ठीक ना। हो क्या बनाते हैं, एक्टिव फॉर्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका ले लेते हैं, किसका लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिस तरह से मैं पढ़ाता आया हूँ उसी पैटर्न पर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपका एक्टिव क्या ले, एक्टिव पहले एक्टिव बनाकर दिखाता हूँ। चलिए भैया एक्टिव सेंटेंस, ठीक है। तो एक्टिव सेंटेंस में हमने क्या किया, बनाया, तो सबसे पहले क्या लेंगे बोलिए, अरे भाई लेंगे सब्जेक्ट, क्या लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिया। उसके बाद जो मेन वर्ब हमारी होगी वो क्या होगी, इंटरेस्टिंग वर्ब। तो इंटरेस्टिंग वर्ब को हम सीधे क्या करते हैं, वी आई लिख देते हैं, ठीक, आई से इंटरेस्टिंग और वी से वर्ब। उसके बाद यहाँ हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट, क्यों, क्योंकि जब वर्ब हमारा इंटरेस्टिव है तो बताइए याद रखेगी नहीं। अब यह क्या लेगी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कॉम्प्लीमेंट अवश्य लगा रहेगा, स्ट्रक्चर यहीं पर कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, इसको हम बात में बंद कर देते हैं, है? अब यदि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को क्वालिफाइज करता है, क्वालिफाइज करता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को क्वालिफाइज करता है तो जानते हो यह कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कैसे जानोगे भैया, सब्जेक्ट को क्वालिफाइज करता है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, हेयर द टी, पहले लेक्चर सुनो। और अगर यह वर्ब को मॉडिफाइज करता है, क्या करता है, मॉडिफाइज करता है, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। बस यह कॉम्प्लीमेंट होगा एडजेक्टिव, क्या होगा एडजेक्टिव, वैसे समझ लीजिए। एंड यह कॉम्प्लीमेंट होगा एडजेक्टिव कब, जब कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को क्वालिफाइज करेगा, और यह कॉम्प्लीमेंट होगा क्या जी, एडवर्ब, क्या होगा एडवर्ब कब, जब यह वर्ब को मॉडिफाइज करेगा। तो इसको यहां भी लिख सकते हो आप, देखो कॉम्प्लीमेंट
सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, ऐसे बना लेगा नीचे। और कॉम्प्लीमेंट बोलो मॉडिफाइज, मॉडिफाइज किसको जी, द वर्ब, द वर्ब कौन सा वर्ब, इंटरेस्टिंग वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा एडवर्ब। बस अब कैसे क्वालिफाइज करता है, कैसे मॉडिफाइज, ये तो एग्जाम्पल से आप समझोगे ना। तो चलिए यहां का काम तो खत्म हो गया, अब पैसिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताना संभव नहीं है। अब वही तो सीखना है इस क्लास में कि अगर ऐसे फॉर्म है कोई किसी भी एक्टिव सेंटेंस का रूप यह है, यानी कोई एक्टिव सेंटेंस में इंटरेस्टिंग वर्ब लगा हो और कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर या तो एडजेक्टिव या तो एडवर्ब लगा हो, तो फिर क्या करोगे। तो सबसे पहली बात, इस सभी इंटरेस्टिंग वर्ब का पैसिव सेंटेंस बनेगा ही नहीं। अब जिनका बनेगा, जिनका बनेगा, अरे उन्हीं को तो ये कहते हैं क्वेजी पैसिव वर्ब, ठीक। अब जिनका बनता है तो इस यहां पर ऐसी कंडीशन आती है काली, ना तो ये ट्रस्टी में और न तो शुद्ध रूप से इंटरेस्टिंग में, ध्यान देना। अरे भाई ट्रस्टी के साथ तो ये नहीं है, शुद्ध रूप से ट्रस्टी वाले नियम में नहीं आ रहा है और इंटरेस्टिंग वर्ब का बनता ही नहीं है, लेकिन ये अपवाद में है इंटरेस्टिंग वर्ब का। इसलिए जानते हो क्या कहते हैं, ऐसे पैसिव वॉइस को या एक्टिव पैसिव दोनों को मिडिल वॉइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो, मिडिल वॉइस कहा जाता है, मतलब धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मिडिल बीच में, समझ गए कि नहीं, यानी ट्रांसी वाली श्रेणी में भी नहीं और एक ट्रांसी वाली श्रेणी में नहीं, तो बीच का, ठीक। अब हम सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं और आपको समझाते हैं कि ऐसे वाक्यों का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है, समझ भैया। चले कुत्ते के पिल्ले की आवाज सुनकर के आपको नहीं लग रहा होगा कि मैं इलाहाबाद सिटी मेरा करके आप तक वीडियो पहुंचा रहा हूँ, आप सोच रहे हो कि गांव में है गाय गुरु जी, नहीं भैया, अरे यार लोग भी शौकीन है ना, कुत्ते का पिल्ला पालते हैं, अगर बिच्छू का आ गया तो 1 रुपया निकाल कर भिक्षा नहीं देंगे, एक कुत्ते का पिल्ला पालेंगे साल में भी। आप अगर गाँव में रहते हो तो आज की डेट में मैं कहूँगा कि गांव में हो तो बहुत सुखी हो यार, हम लोग तो शहर में आकर के फंसे हुए हैं, समझे कि नहीं, क्योंकि आज की डेट में मैं निकलना भी चाहता हूँ ना गांव में, जाना भी चाहूँगा ना, तो गांव वाले गांव में पढ़ाना चाहूँ, गांव में ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब तो आप पढ़ ही रहे हो फ्री में, ये तो कहीं भी पढ़ सकते हो दुनिया के किसी भी कोने में, तो गांव वाले पैसा नहीं निकालना चाहते हैं जेब से, खर्च नहीं करना चाहते हैं बच्चे पर, ये टेंडर है, वही गांव वाला खर्च करेगा बच्चे को सिटी में भेज कर, लेकिन गांव में रख कर नहीं खर्च करेगा, समझे भैया, ये दिक्कत है। तो इसलिए मैं नहीं जा पाता, नहीं तो यहां से अच्छा बेहतर, ठीक ना, लागुना अच्छा गाँव है भैया इस समय, गाँव गाँव नहीं रह गया, बहुत डेवलप्ड हो गया है। तो चलिए ये सब बात नहीं करते हैं, हम सीधे काम की बात करते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस पर, तो सेंटेंस आपका क्या है, एक सेंटेंस लिखता हूं, ठीक, एक्टिव का क्या लिखता हूं, एक्टिव सेंटेंस,
एम्प्टी सेंटेंस में लिखता हूं द सोफा फील्स सॉफ्ट। बढ़िया, समझ लीजिए। अब एक्टिव वाला जो स्ट्रक्चर दिया हूं उससे मैच कराएंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये इंट्रासिव वर्ब है। अब सॉफ्ट क्या है? तो ये कॉम्प्लीमेंट है। अब सवाल है कि कॉम्प्लीमेंट है तो कैसे पता करोगे? तो चलो हिंदी अनुवाद करो, हिंदी अनुवाद करो, पता चल जाएगा। सोफा मुलायम, नहीं सोफा मुलायम मालूम पड़ता है, मालूम पड़ता है, ठीक है ना? सोफा मुलायम मालूम पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। कब भैया? जब तुम सोफे को छूते तो अनुभव होता है। इसका मतलब कि सॉफ्ट से सॉफ्टनेस, जो मुलायमपन है, कोमलता किसके भीतर है? सोफे के भीतर है। तो सोफा का किया क्वालिफाइज किया, अरे सॉरी सॉफ्ट का किया, उल्टा बोल गया, सॉफ्ट का किया सोफे को क्वालिफाइज किया। समझ गए कि नहीं भाई? कौन मुलायम है? मुलायम पड़ता का मतलब क्या हुआ? मुलायम है तभी तो मुलायम पड़ रहा है। तो सोफा मुलायम मालूम पड़ता है, यानी जब हम सोफे को छूते हैं तो वह मुलायम लगता है। इट मीन्स द सोफा इज सॉफ्ट, सोफा ही सॉफ्ट है, सोफा इज सॉफ्ट, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला कि इसका मतलब हुआ कि सोफा ही मुलायम है। अब चलिए, अर्थात लिखिए यहां पर, क्या लिखिए? इसका भाव क्या है? अर्थात ये हिंदी ट्रांसलेशन है, इस वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन है। सोफा मुलायम मालूम पड़ता है। अब इसको हम दोबारा लिखने जा रहे हैं, सोफा मुलायम मालूम पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। जब भाई मुलायम पड़ता है कब? ऐसे ही देखने से, सुनने से, चखने से नहीं। यहां ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग करना, स्किन का। ऐसी क्रिया के साथ आप जब तक स्किन का प्रयोग नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा। यही कारण है कि जो क्वाइजी पैसिव वर्ब्स हैं उसमें ज्यादातर क्रिया है ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या होती है, चलाई जाती है, कंडक्ट की जाती है। समझ में आया ना? बिना ज्ञानेंद्रिय का नहीं चलेंगे। तो सोफा मुलायम मालूम पड़ता है जब क्या भैया? इसे छूते हैं, इसे छूते हैं। तो ओके, अब चलो ये चीज हुआ। इस हिंदी वाक्य का यह भाव है, अर्थात का क्या मतलब? अर्थात का मतलब दैट इज, और दैट इज क्या होता है? इसमें ये दैट इज है इक्वल टू अर्थात। तो दैट इज, आप सोचोगे तो
आई के लो भैया डायरेक्ट लिख दिया, मैच नहीं करेगा अंग्रेज। हम अर्थात कहते हैं तो अंग्रेज दैट इज कहता है, और दैट इज को शॉर्ट में ऐसे लिखता है, बोलेगा दैट इज लेकिन शॉर्ट में लिखेगा ऐसे, समझ में आया ना। तो ये दैट इज का मतलब अर्थात। तो जब भी दैट इज कहा जाए, जब भी अर्थात कहा जाए, तो वो चीज वो क्या होता है, सेंस होता है, भाव होता है। तो इस वाक्य का सेंस ये है, ठीक है। अब इसी का आपको अनुवाद करना है, क्या करना है, इसी का अनुवाद करना है। तो कर लीजिए, देखिए मालूम पड़ता है जब इसे छूते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो मालूम पड़ता है जब इसे छूते हैं। अब सवाल यह उठता है कि मालूम पड़ता है कब, जब इसे छूते हैं। तो छूने से क्या मालूम पड़ता है, फीलिंग होती है। क्या होती है, फीलिंग होती है। क्या, किसके अंदर हार्डनेस है, किसके अंदर शार्पनेस है। ओके, तो वह जो फीलिंग होती है वो अबस्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो अबस्ट्रैक्ट नाउन को तो तुम ना कभी छू सकते हो, ना चख सकते हो, ना देख सकते हो, ना सुन सकते हो। जो अनुभूति हमारी होती है, उसी अनुभूति को व्यक्त करने के लिए ऐसी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ऐसी क्रियाओं का प्रयोग, कैसी क्रियाओं का, ऐसे ट्रांसटीवर जो क्वेजी पैसिव वर्ब्स होते हैं, जिनका पैसिव फॉर्म बनता है। तो कैसे बनता है, वास्तव में ऐसी जो क्रियाएं होती हैं, लिंकिंग वर्ब का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, लिंकिंग वर्ब का। तो यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग वर्ब होगा, यहाँ पर जानते हैं क्या जाएगा, सॉरी, यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग वर्ब है, feels is equal to is हो जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है और सेंटेंस किसमें है, इसका मीनिंग किसमें है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट है, अब feels is equal to is हो जाएगा, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट से बदलकर वह अगर is का प्रयोग कर दोगे तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी बना सकते हो, तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट में बनाओ, क्योंकि यह वाक यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट इंडिफिनिट, यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट इंडिफिनिट। तो अभी इसमें आप कोई चेंज मत करो। तो चलो, सर्वप्रथम इसका दो होगा पैसिव, सर्वप्रथम आपको उसी टेंस में रहना है। तो यह है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडिफिनिट आप इसका पैसिव वर्ब बना लीजिए, इसका इस भाव का। तो बनाते हैं, द सोफा इज, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या क्या बना लीजिए, थर्ड फॉर्म, और इसको उतार दीजिए। सही तरीका बता रहा हूं कि आप कभी कंफ्यूज नहीं हो जिंदगी में। हमने क्या बताया, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो इसका ट्रांसलेशन करो, फिर भाव लिखो, भाव में यह चीज एडिशनल बनेगी, जो कंडीशन बतानी पड़ेगी, यानी किस ज्ञानेंद्रिय का तुम प्रयोग करते हो उसे आपको लिखना पड़ेगा, उसके फंक्शन को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम स्कीम का प्रयोग करते हैं, सोफा मुलायम मालूम पड़ता है, कैसे, बिना छुए नहीं। तो हम स्किन का प्रयोग करते हैं, बहुत से बच्चे, बहुत से स्टूडेंट इस नहीं समझ पा रहे हैं। देखो, छूते तो हाथ से है, इसको भी समझा दे रहा हूँ, छूते तो है हम हाथ से, लेकिन जो स्पर्श की जो क्रिया होती है, ठीक ना, जो संवेदना व्यक्त होती है, हमारे माइंड में पहुँचती है, वह स्किन द्वारा, इस चमड़ी द्वारा जाती है। किसके द्वारा, तो अगर आप नहीं जानते हो तो ये भी एक नई बात जान लेना। तो स्किन द्वारा जब इसे छुओगे, अभी स्किन हटा दिया जाएगा ना, तब छुओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा, ये भी बता दे रहा हूँ, ठीक ना।
चलते हैं। दो सोफा ही 60 बन गया, यहां तक बन गया। अब इस एडिशनल चीज को भाई स्किन द्वारा हम चुनते हैं, हाथ द्वारा चुनते हैं, तो स्किन के फंक्शन को लिखना है। स्किन का फंक्शन क्या है? छूना, टच करना। कंडीशन क्या हुई? शोभा मुलायम मालूम पड़ता है जब हम उसे छूते हैं। When काली बोले ये पैसिव में है कि नहीं? ये भी पैसिव बन गया, ये भी पोर्शन। अब ये कंप्लेक्स सेंटेंस हो गया, तो ये भी पैसिव हो गया। When it is touched, बोलो। तो यहां कहता है ये सिंपल सेंटेंस है, हर चीज लिखूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, ठीक ना? न्यू व्यूअर हो तो पीछे से पढ़ना शुरू करो, और पुराने हो गए हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो, सिंपल सेंटेंस है, वन सब्जेक्ट वन प्रेडिकेट, और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। बोलो, यहां से यहां तक एक सेंटेंस हुआ गया, और यहां से यहां तक एक सेंटेंस हुआ कि नहीं? ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और ये क्या जब से, यानी ये एडवर्ब क्लॉज है। एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है, मेन लगा है, रिलेटिव का रिलेटिव एडवर्ब मेन लगा हुआ है। ये सब चीजें आपको क्लास में पढ़ाई जाएगी, हो गया। अब चलो दूसरा एक तरीका, यहाँ एक्टिव वन हो गया, एक्टिव वन हो गया, ओके। अब देखो आगे आपको एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, मेन चीज ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन अगर आप नहीं कर पाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या ट्रांसलेशन है? द सोफा फील्स सॉफ्ट, सोफा मुलायम मालूम पड़ता है कब? जब हम इसे छूते हैं। ट्रांसलेट कर दिया, ये इसका एक्टिव पड़ गया। अरे सारी यार, अब बोल भी नहीं रहे हो, बदमाश कहीं बैठे हो, गलती से एक्टिव लिया। हाँ, पैशिव क्या होता है? ये पैशिव बन गया, तो लग रहा है इधर कंसंट्रेट हो गया, तुमने इधर कैश नहीं किए। पैशिव वन हो गया, अब इसका पैशिव टू भी बनेगा। चलिए प्रश्न उठता है कि शोभा मुलायम मालूम पड़ता है कब? जब इसे छूते हैं। तो बताओ, मुलायम है तभी तो। हम हार्ड चीज को छुएंगे तो उसमें हार्डनेस का पता चलेगा, सॉफ्ट चीज को छुएंगे तो उसमें सॉफ्टनेस का पता चलेगा। अगर सोफा सॉफ्ट नहीं होता तो क्या हमारे छूने से मुलायम मालूम पड़ता? नहीं, नहीं ना। तो जानते हो यहां जो ईज लिखा गया है, यह ईज नहीं है। इस ईज को अब दूसरे में ले आ रहे, ठीक ना? यहां तो अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू टेंस चला, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट। यह आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, बोलिए यह आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब हुआ, खूब बढ़िया समझ लीजिए। और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये वाला ईज नहीं है। अब दूसरा बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है? बहुत सिंपल तरीका है, इसी को लोग ट्रिक बोलते हैं। ये ट्रिक नहीं है, कंसेप्ट है। दूसरा बनाने के लिए हमने क्या कहा जी? अरे भाई, सोफा मुलायम ही नहीं होता तो तुम्हारे छूने से पता चलेगा क्या जी कि साफ है? नहीं, वो ऑलरेडी क्या हुई है? मुलायम है, इसलिए हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा उसे कैच कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं। तो क्या करो ना, देख लो दूसरा तरीका। द सोफा, अब इस फील्स के स्थान पर तुम इज का प्रयोग कर दो। बोलो, तो फील्स क्या है तुम्हारा? लिंकिंग वर्ब और इंटरेस्टिंग वर्ब इक्वल टू इज क्या है? लिंकिंग वर्ब। कुछ समझ में आया? यानी यहां पर फील्स जो है इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रही है,
इक्वल टू इज, ठीक हो। तो अब क्या करोगे, जब हम फील्स की जगह इज लिख दिए, सिंपल तरीका, तो साफ उतार दो, ठीक। तो यहां पर मालूम पड़ता है जब हम छूते हैं, और यहां पर सोफा क्या है जी, मुलायम है, सोफा मुलायम है। When it is felt, समझ रहा है। तो इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो एक मीनिंग और हिंदी आई ना, बोलो, यानी इसका क्या भी जो लेक्चर से प्राप्त हुई, पहली मीनिंग क्या, ये तो हिंदी ट्रांसलेशन है, शुद्ध शब्दशः है, शोभा मुलायम मालूम पड़ता है। ये क्या है, शोभा मुलायम मालूम पड़ता है कब, जब हम अपनी ज्ञानेंद्रिय द्वारा यानी स्किन द्वारा उसे छूते हैं, जब इसे छूते हैं। इसका मतलब क्या, छू करके हम जब इसका अनुभव करते हैं, अर्थात अब ये मीनिंग नीचे लिखते रहे दूसरी, अर्थात तीसरी, जो ये दूसरा इसका भाव है, इसका एक भाव ये, तो उसका ट्रांसलेशन कर दिया, फिर उसका भाव, ठीक ना, चाहे इसके ऊपर हम लिख दें, ठीक ना, चाहे नीचे, आप क्या कर लेना, ऊपर लिख लेना। अर्थात देखो, सोफा मुलायम मालूम पड़ता है जब हम इसे छूते हैं, तो भाव हुआ, ठीक। अब इसका दूसरा भाव हम यहां लिख देते हैं, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। सोफा मुलायम मालूम पड़ता है जब इसे छूते हैं, जब इसे छूते हैं, अर्थात हम अपने कारी ज्ञानेंद्रिय स्किन द्वारा इसे टच करते हैं, अर्थात मुलायम मालूम पड़ता है जब स्किन द्वारा हम इसकी अनुभूति करते हैं, हम इसकी अनुभूति करते हैं। अनुभूति की इंग्लिश क्या, अनुभूति, अनुभूति करना, अनुभव करना, महसूस करना, फिर तो क्या, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अर्थात करके दोबारा लिख देते हैं, अर्थात सोफा, बोलो अब मालूम पड़ता है, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, मालूम, सोफा मुलायम मालूम पड़ता है, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिखोगे क्यों, क्योंकि फिर इसको तो ईज हुआ, भाव वही रहेगा, तो भाव क्या है, सोफा मुलायम, ठीक है जी, मालूम पड़ता है जब, बोलो छूना कहा है, छूने के बाद फीलिंग करते हैं, जब कारी इसका अनुभव किया जाता है, फिट किसके लिए लगा का, इसका अनुभव किया जाता है, क्या किया जाता है, यानी जब, तो इसका अनुभव, किसका अनुभव, अनुभूति करने की प्रक्रिया आएगी यहाँ पर, इसका अनुभव किसके लिए आया, जब ऐसा अनुभव किया जाता है, इसका नहीं, जब ऐसा अनुभव किया जाता है, ऐसा अनुभव किया जाता है, ये अर्थ होगा। देखो आ रहा कि नहीं, कट तो नहीं रहा है, कट गया, कौन वाला, ये थोड़ा सा कटा है, किया जाता है, जब ऐसा अनुभव किया जाता है, ठीक है जी। अब देखो इस वाक्य में कह रहा है कि सोफा, द सोफा इज फेल्ट साफ,
अरे नीचे वाला सही, ऊपर वाला हाथ चला गया। द सोफा इज सॉफ्ट, सोफा मुलायम है, नहीं मुलायम है ना, क्योंकि फिट्स की जगह हमने इज लिखा है, तो मीनिंग वही होगी, अर्थात सोफा मुलायम मालूम पड़ता है जब ऐसा अनुभव किया जाता है। तो अनुभव करने के फूल क्या करोगे, छू लो यार, देख लो छू लो, दो बनेगा, तो अनुभव करने के पहले छूलो। तो कुल मिलाकर इस वाक्य में ऐसी इंटरेस्टिंग वर्ब का उपयोग किया गया, फिल। फिल का मतलब होता है अनुभव करना, महसूस करना। तो इस पैटर्न पर बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, गेंद कड़ा मालूम पड़ता है, हैं क्या बोलते हैं, फर्श मुलायम मालूम पड़ता है, फर्श मुलायम की जगह आप कड़ा मालूम पड़ता है, इस तरह से। अब चलो एक खास बात और मैं इसे बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको एडजेक्टिव की जगह एडवर्ब का एग्जांपल दिया जाएगा, कुछ और एग्जांपल है, एक तरह से ये क्लास आपका प्रैक्टिस क्लास हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खतरनाक कारण देखने यार, घर वीडियो मेकर तो उन्हें खतरनाक शब्द का उपयोग करते हैं, खतरनाक क्या चीज होता है, है? खतरनाक कोई चीज नहीं होती। देखो द सोफा की जगह हम अगर असोफा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, असोफा, असोफा फील्स साफ, ओके। तब देखो क्या हो गया, उसका ट्रांसलेशन था कि सोफा मुलायम मालूम पड़ता है, हम जब गए तो किसी के घर में सोफा लगा था अपने मित्र के, आज जैसे बैठे, अरे यार बड़ा मुलायम है, बैठ भी रहे हैं और हाथ लगा रहे हैं भैया, अरे यार बड़ा मुलायम है, ऐसे बोल रहे हैं। इसका मतलब किसी पार्टनर सोफे की बात कर रहा लगता है, जिस पर बैठा है और जिसको हाथ से छूता है, ठीक ना। अब हमारा प्रश्न है क्या सोफा कड़ा भी होता है क्या, अरे यार कड़ा हो जाएगा तो वो सोफा थोड़े कहलाएगा, हाँ कहलाएगा नहीं। तो जब वही सोफा घर में लगा दे रहे हो और उस पर कोई मेहमान बैठ रहा है या खुद बैठ रहे हो तो पार्टिकुलर हो रहा है ना, पार्टिकुलर सोफा। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल रूप में लेते हैं, किसी भी सोफा की बात करते हैं, तो द नहीं लगेगा। तो जब द नहीं लगेगा तब क्या होगा भैया, यहाँ अलर्ट हो जाना, तब क्या होगा मीनिंग, जानते हो, सोफा मुलायम पड़ता है नहीं लगता है, कमाल की चीज। इसीलिए मैं कहा अगर खोल दिए हो तो बने रहना, ऐसी चीज मिलने वाली नहीं है, सोफा मुलायम लगता है, ठीक, ये मीनिंग होगी। पड़ता की जगह क्या हो जाएगी, मीनिंग हो जाएगी, बाकी बनाने का पैटर्न तो वही रहेगा, अर्थात कर ले दो भाव में क्यों नहीं दे रहा, अर्थात ये लिखोगे सोफा नहीं मुलायम लगता है, लगता है जब, बोलो इसे थोड़ा सा तर आएगा, वहां तक पड़ता है, यहां है लगता है, यानी कोई भी सोफा पूरे आलवन का सोफा मुलायम ही लगेगा, हार्ड थोड़ा लगेगा, हाँ शार्पनेस में थोड़ा सा डिग्री घटेगी बढ़ेगी, किसी का ज्यादा मुलायम किसी का कम मुलायम, लेकिन हार्ड किसी का नहीं होगा। तब जानते क्या बनेगा, सोफा मुलायम लगता है जब, हाँ जी
छूते हैं पार्टिकुलर, और जब इसे छुआ जाता है, छुआ जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट क्या है यूनिवर्सल है, तो अनुवाद भी यूनिवर्सल करना पड़ेगा। और लगा है ना इंपॉर्टेंट चीज, ठीक ना, और लगा है तो भैया और दौड़ का खेल बड़ा निराला है, इसके लिए आपको आर्टिकल खोलना पड़ेगा। अगर आर्टिकल की प्लेलिस्ट खोलते हो पढ़ते हो तो समझो कि कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा, मेरा आर्टिकल पढ़ लेते हो। यहाँ क्या है जी, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, यानी किसी भी सोफे की बात करें, यानी पूरे सोफे वर्ग की बात हो रही है। इसका है पूरे सोफे वर्ग की बात, कि सोफा का मतलब ये है कि मुलायम है कराने, ठीक ना भैया। तो क्या करेंगे, असोफा फिर सा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सोफा मुलायम लगता है, अभाव क्या हुआ, सोफा मुलायम लगता है जब इसे छुआ जाता है। तो यहाँ फोकस मैंने क्या किया, हिंदी ट्रांसलेशन पर किया, अनुवाद तो वही होगा, बोलो अनुवाद तो वही होगा, तो अनुवाद कर लो का जी, सोफा ठीक ना इज हाँ फेल्ड साफ वेन का जी ईट ईट इज टच हुआ कि नहीं। अब दूसरा वाला भी लिख लो, अर्थात बोलो अर्थात सोफा सो अरे यार कोई भी सोफा, सोफा मुलायम होता ही है नहीं, वहां का लिखे थे है? नहीं यार नीचे वाले का मीनिंग में क्या लिखे थे, पढ़ता नहीं। अच्छा हाँ सेम, चलो अब यहाँ क्या जी, सोफा क्या लिखे, सोफा हाँ ठीक है मुलायम लगता है, तो वहां पढ़ता है ना लगता है खाली, जब ऐसा अनुभव किया जाता है, इसका नहीं, जब ऐसा ठीक ना अनुभव किया जाता, ठीक है। आप बताओ इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, असोफा इज सीधे क्या करेंगे, इसकी जगह इज लिख देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, साफ कर देंगे, उसके बाद बोलो मेन हो जाएगा, अनुभव किया जाता है, तो इट बोलो इज फेल, तो इस पैटर्न पर चाहे किया जाता है, कट गया। अब बता रहे कुछ बनाने लगा कोई, ठीक ना, तो ठीक है आगे अभी हम अभी क्लास है, अब पहचान नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, दीपावली का त्यौहार है तो कहीं ना कहीं मैं सो रहा, ठीक ना, तो वीडियो रुकने का मतलब कि आपका नुकसान है। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देता हूं, इसमें तो आपने दो देगा, इसमें क्या देगा भैया, दो बना, कुछ ऐसी भी क्रियाएं आएंगी कि दो नहीं बनेगा, दो नहीं बनेगा, तो उसका एग्जांपल देता हूं, देखिए एक्टिव सेंटेंस आपका लेता हूं, एक्टिव सेंटेंस है आपका सेंटेंस, ठीक है, सुगर टेस्टेड स्वीट, सुगर मीठा लगता है, बोलो सुगर मीठा लगता है। अब यहाँ पर कब जी, शुगर खाया जाता है कि चखा जाता है, जवाब आप देना।
अगर हम लिखते हैं कि द फ्रूट या अ फ्रूट टेस्टेड स्वीट, तो फ्रूट तो खाया जाता है, तो वहां दो बनेगा। थोड़ा मौखिक सवाल लेना, अ फ्रूट या द फ्रूट, वो क्या कहा जाता जी? खाया जाता है तो दो बनेगा ऊपर वाले पैटर्न पर। अब बताओ शुगर खाई जाती है? अरे बहुत लोग का गुड़ नहीं मिलता तो फाक लेते होंगे, थोड़ा सा फाक लेते, लेकिन वास्तविकता है टेस्ट लिया जाता है। क्या किया जाता है? टेस्ट, खाया नहीं जाता है, ठीक ना? तो जब टेस्ट लिया जाता है यानी टेस्ट का अनुभव किया जाता है। नींबू जी टेस्ट लिया जाता है, ठीक ना? तो सिंगल सिंगल बनेगा। अब जब सिंगल सिंगल बनेगा तो टेस्ट ज्ञानेंद्री, किस ज्ञानेंद्री का प्रयोग करोगे? टंग का। खाने में तो खाने का तो सेंस हो गया, मुंह से खाते हो, चलो मैंगो है तुमने खाया, लेकिन टेस्ट किसने लिया? तुम्हारा टंग ने लिया, तुम्हारी टंग ने लिया। और जब टेस्ट ही लेते हो, कोई खाना बना और कहा देखो ये टेस्टी के लिए थोड़ा सा लेते हो, तो जीवा बताती है, खाते नहीं हो, थोड़ा देना टेस्ट, नमक कम है कि ज़्यादा है। तो नमक का जब टेस्ट लेते हो, नमक क्या है? नमक, नमक नमकीन है सीधा सीधा, और गुड़ क्या है? मीठा है। तो जीवा पर तुम रखते हो, तो तंग क्या है? एक ज्ञानेंद्री है, ठीक है? किसी भी चीज का टेस्ट लेना है, कौन सा टेस्ट? TEST नहीं भैया, TAST, और यहाँ पर यह दूर क्या है? प्रेजेंट इनिफिनिटिव। तो टंग का तुम प्रयोग करते हो, तो टंग द्वारा तो खाया नहीं जाता है, तो पहला वाला एक्टिव सेंटेंस नहीं बन सकता है। कुछ समझ में आया ना बात? मैंने क्या कहा भाई, स्किन से तुम टच करते हो, तुम टच भी किए और फिर भी किए, दो बना। यहाँ आप ईटेन करके नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहाँ माउथ का कोई प्रयोग है ही नहीं, माउथ का कोई प्रयोग नहीं है। हाँ माउथ में बहुत कुछ चीज़ें हैं भाई, वहाँ टीथ लगा हुआ है, चबाने का काम करेगा, तो बात की प्रक्रिया है। लेकिन सबसे पहले तुम क्या करते हो? टेस्ट लेने के लिए जीभ पर रखते हो। तो अब जीभ पर रखते हो तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करो, तो ये आपका एक्टिव है। अब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं, क्या जी? चीनी। बोलिए लिखे कि चीनी मीठी मालूम पड़ती है? नो, यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, चीनी मीठी लगती है, चीनी मीठी बोलो लगती है, ठीक। अब इसका हम क्या करते हैं, अर्थात हाँ लगती है। अब यहाँ पर हम अर्थात लिख देते हैं, अर्थात में फिर दोबारा इसको रिपीट करेंगे, तो चीनी मीठी, ठीक है भैया, चीनी मीठी लगती है। ये हुआ कब? कब? जब इसका टेस्ट लिया जाता है, जब इसका टेस्ट लिया जाता है, अर्थात जब हम इसका टेस्ट करते हैं, यही ना भाव हुआ? जब जब इसका टेस्ट, इसे खाया जाता है, ले सकते हो, जब इसका कई स्वाद लिया जाता है, स्वाद लिया, ठीक ना, जाता है, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इशू में आ गया ना? तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ऐसे वाक्यों का पैसिव फॉर्म बनाते समय। अगर हिंदी अनुवाद आता है तो आपको नो डाउट, तो हम क्या करते हैं भैया, पैसिव बनाते हैं। ये कहीं बनेगा, कहाँ बनेगा बोलो? अब टेस्ट क्या है भैया, जान लो, पहले ही बता रहा हूँ कि इंट्रास्टिव वर्ब है जो लिंकिंग वर्ब का कार्य करती है। अब यहाँ पर क्या है, ज्यादातर लिंकिंग वर्ब का कार्य करेगी, ये बी आई है, और बी आई इज इक्वल टू यहाँ पर इज कर दोगे, और यह इज क्या है, लिंकिंग वर्ब, अर्थात वी आई इज इक्वल टू इज और इज इक्वल टू लिंकिंग वर्ब, अर्थात यह लिंकिंग वर्ब का कार्य करेगी। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इज लिख देंगे, देखो लिख दिया,
sugar is, ठीक है ना, काली सही श्री, ध्यान दो sugar is श्री। अब सुनो, अगर ये सेंटेंस लिखा है, केवल यही सेंटेंस लिखा है, तो इसकी भी मीनिंग यही होगी क्या? अगर इतना ही पोर्शन कहीं भी लिखा है तो इसको ट्रांसलेट हिंदी करोगे तो यही अर्थ निकलेगा। ये नहीं निकलेगा कि शुगर इज स्वीट, का ये अर्थ नहीं निकलेगा कि शुगर मीठी है, ये नहीं निकलेगा। मीठी है नहीं निकलेगा, मीठी होती है। अरे शुगर तो मीठी होती है यार, तो मीठी है क्यों कहोगे, गलत है कि नहीं गलत है? तो मीठी लगती है, यही मीनिंग, यानी इसका जो मीनिंग होगा यही होगा, ध्यान देना। अगर पूरा लिख दोगे तो, पूरा लिख दिया तो, ध्यान देना आपका पढ़ा है, पूरा लिख दिया तो ये अर्थ हो जाएगा। तो पूरा लिख दो ना, अभी तक तो ये है, अब मिटा देते नहीं तो उसी में कंफ्यूज हो जाओगे। तो पूरा लिख दो, वेर बोलो, वेर इट इज, बोलो हो गया कि नहीं? तो इसका एक ही बनेगा मुन्ना, दीपावली का त्यौहार आने वाला है, चार पॉइंट थोड़ा बढ़ेगी, ठीक है ना? तो शुगर इज स्वीट, देखिए आपको कंटेंट से मतलब है, बाहर दुनिया क्या कर रही है इससे कोई मतलब नहीं है। कान में लिख लगा लीजिए, पढ़िए, लगभग तो सुनाई देगा ना, इसमें भी थोड़ा हाँ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो शुगर इज स्वीट वेर इट इज टेस्टेड। तो यहाँ पर हमको यही ध्यान देना है कि जो ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं ये किस पर आधारित है भैया? हिंदी ट्रांसलेशन पर। ऐसा एक्टिव पैसिव कब बनेगा? जब आप हिंदी ट्रांसलेशन जानोगे, और हिंदी ट्रांसलेशन नहीं जानोगे तो नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता। अब सवाल ये रहता है कि स्वीट है क्या? एडजेक्टिव तो है, एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि यह इसको क्वालिफाइज कर रहा, क्वालिफाइज कर रहा, ओके ना, क्वालिफाइज कर रहा है। अब चलिए, हमने शुरू में ही बताया था कि एडवर्ब, एडवर्ब का एग्जांपल भी हम दे देते हैं, ठीक ना? बताइए, कोई भी कविता अगर आप पढ़ते हो अच्छी लगती है? नहीं, हर कविता अच्छी नहीं लगेगी। हम कहते हैं कि कविता खाली, कविता अच्छी लगती है, हिंदी लैंग्वेज लगती है। हाँ कविता अच्छी लगती है, तो वो नहीं है आपके मोहल्ले वाली कविता, नहीं ये भी ध्यान देना है, मोहल्ले वाली कविता नहीं है, नहीं तो वो तो ये हो जाएगा ना जी। हाँ और इसके बाद क्या लिख दोगे? ब्यूटीफुल लिख दोगे? ये वाली नहीं। अरे किताब की कविता, तो किताब की कविता अच्छी लगती है, बोलो कब? सोचना है, जब उसे पढ़ा जाता है। पढ़ने से कविता नहीं अच्छी लगती, लेकिन पढ़ने के बाद ही लगती है। अरे गुरुजी क्या पढ़ाने लगे? अरे पढ़ने से कोई कविता अच्छी नहीं लगती है, लेकिन पढ़ने पर ही लगती है। दोनों सेंटेंस में अंतर है। किसी भी कविता को पढ़ दोगे तो क्या अच्छी लगेगी? नहीं, जब तक उस कविता में रिदम ना हो, सुर ताल ना हो, तब तक वो अच्छी नहीं लग सकती है। तो कुछ कवियों ने ऐसी कविता लिखा कि पढ़ने में बहुत सुंदर लगती है, और कुछ कवियों ने कविता को ऐसा लपेटा कि पढ़ते पढ़ते थक जाओगे बेटा, समझ लेना अच्छी नहीं लगेगी। तो सुनोगे, पढ़ने की जरूरत नहीं, न सुनने की जरूरत है। तो होता क्या है, जब कविता पढ़ी जाती है तो उसमें से जो सुर निकलता है, जो ध्वनि निकलती है, वो अच्छी लगती है। अब
उस ध्वनि को हम कैच तो करते हैं अपने ईयर द्वारा, ज्ञानेंद्रिय हमारे ईयर है, ध्यान दीजिए, लेकिन ईयर द्वारा वो अच्छी नहीं लगती है। तो व्हेन इट इज कैरी हियर तो लिख ही नहीं पाओगे, क्योंकि सुनने मात्र से अच्छी नहीं हो सकती है जब तक कि उसकी ध्वनि नहीं अच्छी होती है, तो एक ही बनेगा, कंसेप्ट है एक ही बनेगा। तो इसका हम अनुवाद पहले करते हैं कारी। अब सवाल है किस कविता की बात कर रहा है, यूनिवर्सल स्टूडेंट है कि खास कविता अच्छी लगती है, हमने इसमें यह शब्द नहीं लगाया। तो जब यह नहीं लगाया तो दिस का प्रयोग तो कर ही नहीं सकते हो, या तो आर्टिकल और करोगे या आर्टिकल द का प्रयोग। तो आप बताओ हम आर्टिकल और लगाए कि द लगाए, तो अरे भैया और लगाते हो तो इसका मतलब कि दुनिया की कोई भी कविता अच्छा लगने लगेगी। तो ऐसा सभी कवि तो है नहीं और ना ही ऐसा सभी कविताएं हैं, इसलिए हम क्या करेंगे द लगा देंगे। तो समझ में आया क्या मैंने कहा, और लगाओगे तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट हो जाएगा, अरे कोई भी कविता अच्छी लगती है। नहीं नहीं नहीं, अरे कोई कविता किसी को पसंद, कोई कविता किसी को पसंद, इसका मतलब जो जिसे पसंद उसके लिए वह पार्टिकुलर पोयम होगी। क्या होगी, जो कविता जिसे पसंद वह पार्टिकुलर पोयम होगी। तो किसी भी पार्टिकुलर नाव के पूर्व आप क्या लगाओगे, द लगाओगे, क्या लगाओगे, द लगाओगे, और नहीं लगाओगे आर्टिकल पढ़ो कहाँ जी। अरे आरपी सर के स्टूडेंट है तो आरपी सर द्वारा पढ़ाए गए आर्टिकल प्लेलिस्ट में जाओ, और कहीं नहीं जाने की जरूरत है। तो हम क्या करते हैं, द लिख देते हैं, द देखो भैया द पोयम अच्छी लगती है ना, इसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। इसका क्या मतलब, जब कविता को पढ़ा जाता है तो उसमें ध्वनि पैदा होती है, वो तो पैसिव फॉर्म में चला जाएगा, एक्टिव का टाल जाएगा, तो पोयम रेट्स कह दी वे लो भैया। और रीड का मतलब तुम पढ़े हो, रीड का मतलब पढ़ना, और रीड ट्रांसटिव भी होता है इंट्रांसटिव भी होता है, रीड ट्रांसटिव भी होता है इंट्रांसटिव भी होता है, ध्यान देना बोध की श्रेणी में, इसके लिए वर्ग का चैप्टर पढ़ो, ठीक है ना। तो यहाँ का रीड है क्या, नो ऑब्जेक्ट, क्या है इंट्रांसटिव यहाँ का, और थोड़ा बड़ा बोल देते हैं यहाँ का रीड्स क्या है भैया, इंट्रांसटिव। तो सवाल है कि ये कंप्लीमेंट हो गया, अरे ये कंप्लीमेंट हो गया तो कौन सा कंप्लीमेंट है भैया, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, सुनो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है बोलो। अरे भैया क्या ये पोयम की विशेषता बता रहा है, ये वेल नहीं, पढ़ने पर अच्छा साउंड पैदा होता, अच्छा लगता है जब पढ़ा जाता है, तो ऐसा सुर ताल निकलता है उस, क्योंकि यहां पर सेंटेंस को पोयम रीड्स वेल, यानी पोयम रीड्स वेल का मतलब जब पोयम को पढ़ा जाता है तो पोयम में से अच्छी मधुर ध्वनि निकलती है जो कानों को प्यारी लगती है। इसका मतलब वेल क्या कर रहा है, मॉडिफाइज कर रहा, क्या कर रहा है जी, किसको जी, क्रिया को, तो वेल ने मॉडिफाइज क्रिया क्रिया रिट्स को, इसका मतलब कंप्लीमेंट हो गया एडवर्ब, कंप्लीमेंट क्या हो गया एडवर्ब। इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। अब चलिए अब इसका भाव आपको लिखना है क्या जी, इसका भाव ये हो गया एक्टिव, हिंदी और इंग्लिश दोनों हो गया ना, इसी का तो ट्रांसलेशन है। अब अर्थात लिखिए, इसका अर्थात लिखिए, इस हिंदी का अर्थात क्या जी, कविता अच्छी ध्वनि पैदा
करती है कब कब जी जब इसे बोलो कविता खा सकी पटरा रह गई नहीं डर लगा है क्या लिखे जब इसे पढ़ा जाता है कि जब इसे पढ़ते हैं जब इसे पढ़ता है पार्टनर है पढ़ा जाता नहीं पढ़ा जाता तब लिखा जाता है जब यहाँ और लिखते तो और तो बिल्कुल गलत होगा ही तो साथ साथ अनुवाद भी सीख रहे हो जब इसे पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते लिखोगे ना सेंस तो बदल बदल दिया तब तू एक्टिव में हो जाएगा ना लेकिन हिंदी वाक्य भी लिखने में कहानी एक्टिव होते हैं पैसी जब इसे पढ़ते हैं कौन पढ़ते हैं अरे हम लोग पढ़ते हैं छिपा रहेगा जब इसे पढ़ते हैं आया कि नहीं जी हाँ जब इसे पढ़ते हैं यानी जब हम इसे पढ़ते हैं तो समझ में ये भाव है यानी जब हमारे द्वारा यह पढ़ी जाती तो बोलो ट्रांसलेशन करो द कहानी पोयम पैदा करती है अच्छी तरह पैदा करती है इसका मतलब साउंड क्रिया होता है ध्वनि पैदा करना द पोयम साउंड्स वेल व्हेन इट इज रेड वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड पढ़ोगे प्रोनाउंसिएशन क्या पढ़ोगे ले बेटा ठीक है रेड पढ़ोगे थर्ड फॉर्म तो ये क्या हो गया बोलो ऐसी किसका जी इस एक्टिव का ये एक्टिव है ना इस एक्टिव का ये पैसे तो खास रहा कि नहीं रहा बताइए तो बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा यार किसका एक बनेगा किसका दो बनेगा कैसे बनेगा थोड़ा टफ है भाई सावधान रहिएगा इसीलिए मैं पहले ही सावधान कर दिया खूब आराम से इसके बाद भी नहीं अगर आपको समझ में आता है तो टेंशन मत लीजिएगा प्रैक्टिस बेस्ट शुरू होगा और इस तरह के और एग्जाम्पल्स दूंगा और वहाँ चीर फाड़ के और पोस्टमार्टम कर दूंगा बशर्ते पूरा वॉइस का चैप्टर जितना जल्दी हो सके तैयार कर लीजिए क्योंकि दो तीन क्लास और इसमें है हमको स्पेशल रूल देना बस वॉइस फिनिश एक तरफ वॉइस की प्रैक्टिस चलेगी दूसरी तरफ नरेशन का चैप्टर खुलेगा ठीक ना तो वॉइस तैयार रहेगा तो प्रैक्टिस समझ में आएगी वॉइस तैयार रहेगा तो नरेशन भी समझ में आएगा आप कहोगे कि वॉइस का संबंध नरेशन हाँ नरेशन में भी सेंटेंस एक्टिव में भी होते हैं पैसिव तो मैं जो पढ़ाऊंगा बिल्कुल डिफरेंट होगा जैसा कि किसी स्टूडेंट ने लिखा था हाँ शायद पुष्पेंद्र नाम है कि सर योर ऑल टॉपिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम मतलब अदर टीचर्स उनका भाव कहने का मतलब यही था हम समझ के ये कहना क्या चाहते हैं बिल्कुल अलग है देयर इज नो कंपैरिजन कोई कंपैरिजन है ही नहीं टॉपिक वही हेडिंग वही अंदर का खजाना अलग समझे ऊपर से देखने में बॉक्स एक जैसा लेकिन किसी में सोना किसी में चांदी किसी में डायमंड तो भैया आगे हमको नहीं कहना है कि प्लीज लाइक और प्लीज सब्सक्राइब ये सब शुरू में मैंने गलती कर दिया था दो चार वीडियो में बोल दिया था बाद में हमें लगा कि मैं तो टीचर हूँ यार वीडियो मेकर थोड़े हूँ कोई नचनिया पतनिया थोड़े हूँ भैया भोजपुरी बेल्ट है हमारे ठीक ना समझ गए होंगे तो थोड़ा सा आ जाता भोजपुरिया तो अगले क्लास तक के लिए क्या है टाटा बाय बाय थैंक यू।